अभी तक मैंने ये बातें सिर्फ पढ़ी थी कि शौक की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूं जो मैंने देखा और मुझे यकीन हो गया कि अगर शौक है तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई उम्र की सीमा नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आरजे आनंद, रेडियो महारानी के स्टूडियो में बैठे आज हमारे साथ एएस विरदी साहब, जो कि द स्टार वाइज सीजन 2 के 50 ऑनवर्ड्स ग्रुप के हमारे विनर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है रेडियो में आपका। शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। सर जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई उम्र नहीं होती शौक की, तो ये आप अभी शौकिया तौर पे गा रहे हैं, तो अगर मैं एक सवाल आपसे पूछे तो आप उसका सही से जवाब देंगे, ये शौक कितने लोगों के दिलों में राज करता है? ये शौक तो आई थिंक संगीत ऐसी चीज है सभी को जोड़ता ही है, किसी को तोड़ेगा नहीं। नहीं, मेरा मतलब कितने लोगों को जोड़ रखा है अभी तक? बहुत है, वो उसे हम सीक्रेट ही रखे हैं, ज्यादा अच्छा है। हमारी मैम देख रही है सर। बहुत मतलब अच्छा, बहुत दोस्त मिले हैं मुझे इस वजह से। अच्छा, मैम से जुड़ने का कोई संबंध है संगीत का आपका? जी, संगीत से ही जुड़ाव हमारा शुरू हुआ। वैसे तो हमारे मैडम आपके पड़ोसी हैं हमारे। हाँ। तो सबसे पहले मैडम ने इनवाइट किया, हमारे एक जैन साहब हैं एडवोकेट जो सेक्टर 11 में रहते हैं। अच्छा। उनके यहाँ घर पे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, मैडम ने इनवाइट किया कि आप भी चलो हमारे साथ, तो वहाँ से हमारा साथ और शुरू हुआ। फिर रेडियो महारानी से भी जुड़ गया, तो बस ये संगीत की वजह से ही जुड़ाव शुरू हुआ है। अरे वाह, मुझे लग रहा है आप किसी और मैडम की बात समझ रहे हैं। या बात घुमा रहे हैं हमें? नहीं, मैं तो सपना मैडम की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी मिसेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो तो जुड़ाव मैंने बताया था कि जब हमारी रिश्ते की बात चल रही थी, तो वैसे तो होता है ना, जनरली रिश्तेदारी के बीच में ही सजेस्ट किए जाते हैं। अच्छा। तो उसी दौरान मुझे पता लगा कि मैडम ने ग्रेजुएशन तो किया ही है, साथ में विशारद उसमें संगीत में भी डिप्लोमा किया जा रहा है। उससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अपनी ही फील्ड के हैं। चलो कोई नहीं, तो साथ साथ में अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो संगीत से लेंगे। संगीत में लड़ाई होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब कहते ना कि लयबद्ध लड़ाइयां होंगी, अगर होंगी तो रिश्ते भी आगे बढ़ेंगे, तो लयबद्ध। क्या बात है सर। सर मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि द स्टार वाइज सीजन 2 ये लॉन्च हुआ, आपको कहाँ से खबर मिली और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा बेसिकली मैंने मोबाइल पे अपना रेडियो महारानी ऐप डाउनलोड कर रखा है जी, तो उसमें मुझे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये है जो भी इवेंट है, आपके गेस्ट इनवाइट हो रहे हैं। उसी दौरान मुझे पता लगा कि इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो फिर मैंने अपना जो फॉर्म सबमिट किया, फिर आगे पार्टिसिपेट किया, लकीली जजेस ने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज दे दिया। सर आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं, और नो डाउट। एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा परफॉर्म करके, वहां का एंबियंस क्या था? बहुत अच्छा था। मतलब जितना लेंथ थी प्रोग्राम की, मैं यकीन से कह सकता हूँ कम से कम बोर नहीं हुए हम, एंजॉय कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए उस प्रोग्राम में। सर आप बोर भी कैसे होते, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सो भी रहे तो जगा दे रहे थे। मैं अब ये खास और बात है ना कि नींद भी नहीं आई, मैं सोया भी नहीं, फुल एंजॉय किया मैंने। मैं अब जानना चाहता हूँ, या फिर जो लोग हमें अभी देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा गाना आपने वहां पे परफॉर्म किया था जो कि जजेस को बहुत अच्छा लगा और उसके आप विनर रहे? ये मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ दिल जो न कह सका। हाँ। फिल्म भीगी रात से, 1965 की फिल्म है ये। सर अभी भी ऐसी कुछ बातें हैं जो दिल न कह सका? वो हम नहीं है, कोई हम नहीं है, प्लीज सिर्फ गाना ही है ये। जी, प्लीज आप अगर दो लाइनें गुनगुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। दिल जो न कह सका वही राज दिल, कहने के राए। दिल जो न कह सका नगमा सा कोई, जाग उठा बदन में झनकार की सी, थर थरी है तन में झनकार की सी, थर थरी है तन में। ओ मुबारक तुम्हें किसी की, लरजती सी बाहों में रहने के राह आई। दिल जो न कह सका। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और
इस उम्र में भी आकर अगर कोई बातें ऐसी है जो कह नहीं सके तो प्लीज वक्त रहते कह दीजिए, ऐसे पछतावा हो रहेगा। नहीं अब कोई बाकी नहीं है, कुछ बाकी नहीं है, जिनसे कहना था कह दिया है सर। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया दिल से इस मौके के लिए और इस इंटरव्यू के लिए, मेरा भी शौक पूरा हुआ। बिल्कुल सर, आप इसके हकदार हैं और हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहे, रेडियो महारानी आपके साथ जुड़ा है और ऐसे लोगों को और भी हम लोग अप्रिशिएट करते रहेंगे। अगर आप भी शौकीन हैं, आप भी गाने का शौक रखते हैं तो रेडियो महारानी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, सुनते हैं रेडियो महारानी कुछ हटके।